हेलो, आज हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत बुक है एंड द नेम ऑफ बुक इज फ्रीडम एट मिडनाइट। इसका हिंदी वर्जन है मेरे पास क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो ऐसे में जो भी किताब मिल जाए तो आपको पढ़ना चाहिए। ये एक बुक मेरे हाथ लगी आजादी आधी रात को, फ्रीडम एट मिडनाइट। ये किताब देखो काफी कई सारे लोग इसको अपने अपने एंगल से देखते हैं। खासकर इंडिया में बहुत बड़ा एक ऐसा वर्ग है जो रिसर्च स्कॉलर का है, उनको ऐसा लगता है कि जो इसके ऑथर हैं वो डोमिनिक लैपियर एंड लैरी कॉलिंस, ये दोनों विभिन्न मतलब एक जो डोमिनिक लैपियर हैं वो फ्रांसीसी राइटर हैं, ऑथर हैं, और जो लैरी कॉलिंस हैं वो इंग्लिश राइटर हैं। दोनों अलग अलग किताबें लिखते हैं, लेकिन इन दोनों की किताबें जनरली जो काफी इंटरव्यूज के लिए, काफी जो रिसर्च वर्क में जो मेथोडोलॉजीज होती हैं उसके लिए फेमस हैं। तो फिर भी मेरे पास इसका हिंदी वर्जन है, लेकिन इस बुक में दिया क्या गया है, क्वेश्चन ये है कि अगर आपको पढ़ना है तो ये आप पढ़ सकते हैं या नहीं। इससे पहले हम लोगों ने विपिन चंद्रा को देखा था, फिर रामचंद्र गुहा पर भी हमने कभी बीच में बात की थी, शशि थरूर की भी किताब है, तो हम लोग क्लास में भी देख चुके हैं। लेकिन ये बुक कई सारे लोग इसको ऐसा मानते हैं कि जो लॉर्ड माउंटबेटन के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, क्योंकि जब भारत का पार्टीशन हो रहा था, इसमें लगभग 1 से 2 साल का इतिहास लिखा गया है इस किताब में, वो भी वो इतिहास लिखा गया है जो काफी क्रूशियल था, काफी महत्वपूर्ण था हमारे लिए। जैसे उस इतिहास में इंक्लूड है माउंटबेटन का भारत आना एंड इंडिया का पार्टीशन होना, और बापू महात्मा गांधी की जो है जब हत्या कर दी जाती है, ऐसे कई सारे मुद्दों पर ये बात करती है। लेकिन इस किताब में कई अन्य चीजें भी दिखाई गई हैं, जैसे 500 से ज्यादा जो देश में रजवाड़े हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ इंडियंस को ये किताब अच्छी क्यों नहीं लगती है, और उसका रीजन भी उनके लिए लॉजिकल लगता है, क्योंकि वो इंडिया को हमेशा एक पैसिफिक मतलब एक ऐसी कंट्री जो शांति का संदेश देने वाली या हमारा जो सिविलाइजेशन है वो ऐसे वैल्यूज को पकड़ के रखते हैं, तो उनको लगता है कि भारत के लोग एक दूसरे को कैसे मारेंगे। लेकिन फिर ये किताब कहती है कि 1947 में लाहौर में एक जो है इसमें एग्जाम्पल दिया जाता है, वो एग्जाम्पल आपको विकिपीडिया पर भी मिलेगा अगर आप इस बुक के बारे में सर्च करेंगे, कि लाहौर की एक कैनाल है, वहां पर इतनी इतनी बर्बरता होती है, इतना लोगों का कार्नेज होता है, उनको मारा जाता है कि वो पूरी की पूरी जो नहर है वो लाल हो जाती है। मतलब इतने निर्दयी हो गए थे हम लोग जब हमारा पार्टीशन हुआ, 1947 में कार्नेज होने लगे। हम अपने दोस्त को, ठीक है, हम अपने पड़ोसी को के बागान में जो फल था उसके लिए उसकी हम हत्या कर दे रहे थे, या जो हमारा बचपन का दोस्त था जिसके साथ हम बैठे थे हम उससे दोस्ती तोड़ लिए क्योंकि वो दूसरे रिलीजन का था, हमने उसकी हत्या कर दी। ठीक है, ऐसे कई सारे प्रश्नों पर ये किताब बात करती है कि जो हम उस समय के राजा रजवाड़े थे उनकी लाइफ स्टाइल कैसे थी। ठीक है, इसमें बहुत दिखाया गया कि जो इंडिया के राजा रजवाड़े हैं उनकी कितनी प्लीजेंट लाइफ स्टाइल है, उनके कैसे एक्शंस हैं, और फिर जो महात्मा गांधी की बापू की हत्या है उसके बारे में भी कई सारी बातें करती हैं। अच्छी बात यह है कि बापू के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं, और दूसरी इसकी जो इंडियंस के जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या वैसे भी जो भी लोग हैं वो इस किताब को जब पढ़ते हैं फ्रीडम एट मिडनाइट, उनको ये शिकायत होती है कि ये किताब लॉर्ड माउंटबेटन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, इसीलिए वो इसका विरोध करते हैं कि ये किताब एक इंग्लिश वायसराय के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, और केवल जस्टिफिकेशन, एक जस्टिफिकेशन है यूरोपियन का, ठीक है, और जिसमें बार बार जिन्ना को ये ठहराया जाता है कि वो पार्टीशन के लिए जिम्मेदार है। लेकिन वो जिन्ना तो थे ही, नो डाउट, जिन्ना तो पार्टीशन के लिए जिम्मेदार थे, बट क्या जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी वो नहीं थी जिम्मेदार? ब्रिटिश ने जो अपना जस्टिफिकेशन दे दिया है क्योंकि ये यूरोपियन ऑथर है, तो ऑफकोर्स हालांकि इनको 2008 में हमारी गवर्नमेंट ने पद्म विभूषण भी दिया, सम्मानित भी किया है इन ऑथर्स को, और ये ऑथर्स कई और किताबों के लिए जैसे जेरूसलम पर, और ये दोनों हमेशा साथ में ही किताब लिखते हैं, डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस,
तो ये किताब बढ़िया है, लेकिन इसको कई लोग बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज देते हैं, आप लोग देखना, और कई लोग इससे नाखुश इसलिए रहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लॉर्ड माउंटबेटन को एग्जेजरेट किया गया है, जस्टिफिकेशन दिया गया है। और दूसरी बात है, इस पर एक मूवी भी आई हुई है एंड द नेम ऑफ मूवी इज वायसराय हाउस, ठीक है, वो 2017 के आसपास आई है, 17 में, तो वो आप देख सकते हैं, 2017 में मूवी आई है द वायसराय हाउस, ठीक है, तो उसमें इंडिया हिंदी में भी डब वो मूवी है पार्टीशन के नाम से, वो आप देख सकते हैं, इसी मूवी पर वो, इसी बुक पर वो मूवी बनाई गई है। हालांकि ये इसी बात पर है, और कुछ लोग कहते हैं कि जो इंडिया का जो पूरा का पूरा पार्टीशन का जो पिक्चर है, समझने के लिए ये किताब बहुत बेस्ट है। इस किताब में देखो बेस्ट इसलिए है क्योंकि जो साक्षात्कार होते हैं, जो पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं, उनका भी सहारा लिया गया है, आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसको रिसर्च स्कॉलर ये किताब जनरली पढ़ते हैं जो लोग हिस्ट्री वगैरह में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। बट ये ऑब्वियसली बात है, अगर कोई पार्टीशन लिटरेचर पढ़ना चाहता है या पार्टीशन पर कोई किताब पढ़नी चाहती है, पर्सपेक्टिव उसके अपने हो सकते हैं, हम किसी के मत से हो सकता है सहमत ना हो, बट हम ये किताब पढ़ तो सकते हैं, तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं। और इसको काफी अच्छे अच्छे जो है रिव्यूज भी मिले हुए हैं, जैसे टाइम्स मैगजीन न्यूयॉर्क ने और नेशनल ऑब्जर्वर वाशिंगटन, तो कई डेली मेल ने कई अच्छे अच्छे रिव्यूज भी दिए हैं। बट अगेन जो इंडियन पर्सपेक्टिव है या जो हाईली नेशनलिस्ट लोग हैं वो इसको कटघरे में भी खड़ा करते हैं, तो दैट इज अनदर डिस्कशन, बट ओवरऑल दिस बुक इज अ गुड, अगर आपको कोई पार्टीशन लिटरेचर पढ़ना है तो।